आम का अचार बनाने के लिए 2 किलो कच्चा आम लिया है। आम हरा, बड़ा और अंदर से सफेद होना जरूरी है। आम को अच्छी तरह से धो के सूखे कपड़े से पोंछना है ताकि वो पूरी तरह से सूख जाए। फिर आम के छोटे टुकड़े करने हैं। मैंने 1 इंच के स्क्वायर यानी चौकोन काटे हैं। आप अपनी पसंद से इससे भी छोटे या बड़े टुकड़े कर सकते हो। कप के हिसाब से ये टुकड़े 10 कप हुए हैं और इन टुकड़ों को 1 घंटे के लिए खुली हवा में रखती हूँ, क्योंकि इसे अगर जरा भी पानी लगा हो तो वो सूख जाए। खास करके समर में हवा में ज्यादा धूल रहती है तो ऊपर पतला सा कपड़ा बिछा रही हूँ ताकि धूल से ये बचे। तो 10 कप आम के टुकड़ों के लिए या 2 किलो आम के लिए 1/4 कप लाल मिर्च पाउडर लेनी है। अचार खराब ना हो इसलिए सारी चीजें ताजी और सूखी होना जरूरी है, तो मैं सीलबंद पैकेट यूज करना पसंद करती हूँ। नमक भी 1/4 कप लेना है। अगर आप खुला नमक यूज कर रहे हो तो नमक को भी जरा सा भून के ठंडा करके डालिए। मेथी दाना लिया है 4 टेबलस्पून, 1 टीस्पून लौंग ली है और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ली है। दालचीनी 4 इंच है, इसके टुकड़े करते हैं ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए। सारी चीजों को बहुत ही हल्के से भूनना है ताकि उनमें जरा सा भी मॉइस्चर ना रहे। इन्हें ज्यादा नहीं भूनना है, ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो अचार कड़वा बन सकता है। इसकी हल्की सी खुशबू आने के बाद हीट को बंद करना है और मिक्सर के ग्राइंडर में इसे पीसना है। 5 टेबलस्पून राई की दाल ली है। धीमी आंच पे इसे हल्के से भूनते हैं और इसे भी पीसना है। 1 कप तेल को अच्छी तरह से गर्म करना है और फिर इसे थोड़ा सा ठंडा करना है ताकि इसमें हींग और हल्दी डलेगी, वो जले ना। ऑयल की हीट थोड़ी कम हुई है, डालती हूँ 3 टेबलस्पून हींग। अब तेल और ठंडा करना है। गुनगुने तेल में डालती हूँ 3 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। लाल मिर्च पाउडर इसे 1 या 2 घंटे के लिए साइड में रखेंगे ताकि यह पूरी तरह से ठंडा हो। आम के टुकड़ों में पीसा हुआ सूखा मसाला और नमक डालना है। अचार बनाते समय 2 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। 1, सारी चीजें सूखी होनी चाहिए, उसमें जरा सा भी मॉइस्चर यानी गीलापन ना हो, और दूसरा, चीजें पूरी तरह से ठंडी करके मिलानी है, नहीं तो अचार जल्दी खराब हो सकता है। तेल का मिक्सचर पूरा ठंडा हुआ है तो इसे भी कच्चे आम में डालते हैं। ग्लास बॉटल में अचार रखते हैं। बॉटल अच्छी तरह से धो के सुखा के लेनी है। पूरी सूखने के बाद मैंने उसे माइक्रोवेव में कुछ सेकंड के लिए गर्म किया था और ठंडी होने के बाद उसमें अचार भर रही हूँ। गर्म करके फिर ठंडा किया हुआ ऑयल अचार पे डालना है, जैसे कि आम के टुकड़ों के ऊपर तेल रहे। ऐसे करने से अचार ज्यादा दिन तक अच्छा रहता है। ऊपर क्लिंग रैप लगा के बॉटल को टाइटली बंद करना है। क्लिंग रैप की जगह आप किसी साफ कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हो। महीने में 2-3 बार अचार को सूखे चम्मच से हिलाइए और बोतल को फिर से टाइटली बंद करें। अगर अचार को पानी नहीं लगा तो अचार साल भर से भी ज्यादा फ्रिज के बाहर भी अच्छा रहता है।
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकॉन को दबाइए तो आने वाली रेसिपीज के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। रेसिपी देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।